फर्स्ट रचना काव्य रचना, सिलेबस नोट करो बेटे, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट काव्य रचनावां नवी पुरानी तहजीब। ऑलरेडी अपां डिस्कस कर चुके हैं, डे बिफोर यस्टरडे अपां ये वाली कविता कीती सी। कवि का नाम है विधाता सिंह तीर, दूसरी रचना है माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी, साहिबजादियां दे दादी जी। कवि दा नाम है नंद लाल नूरपुरी। फर्स्ट रिविजन टेस्ट विच बेबे जी वातक लेख आना है। किस्सा लिखिया हरपाल सिंह पुन्नू दा और उड़ा एड़ा एड़ी मुहावरे ते बिस्मिक। अज की क्लास च आपां रिवाइज करते हैं पहले काव्य रचनावां और अज की क्लास च आपां काव्य रचनावां स्टार्ट करते हैं ते नाल करांगे आपां विस्मिक। ठीक है, ग्रामर के दो ही टॉपिक है विस्मिक ते मुहावरे। फर्स्ट रिविजन टेस्ट उड़ा एड़ा एड़ी पाक, सैकेंड रिविजन टेस्ट ससा ते हाहा पाक। सैकेंड रिविजन टेस्ट वनगी बुक है, फर्स्ट रिविजन टेस्ट साहित्य माला बुक है। साहित्य माला बुक चो काव्य रचनावां दे एक या दो शब्दों विच आंसर आने हैं, आंसर करने हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आने हैं, एक या दो शब्दों विच आंसर दिओ जां एक वाक विच दे के एक या दो शब्दों नूं अंडरलाइन करो। और वार्तक लेख दे विचों की आना है, एक टू मार्क्स क्वेश्चन आना है, एक फोर मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ये इस बुक का पैटर्न है, तुहानू हो गया क्लीयर। और वाकां दे मुहावरियां दे अर्थ दस के वाक बनाओ भी आने। स्टार्ट करिए माता गुजरी जी तो, क्योंकि नवी पुरानी तहजीब आपां कर चुके हां, उहदे भी वन मार्क क्वेश्चन बाद च रिवाइज करदे हां। माता गुजरी जी कविता किसी लिखी हुई है लिखो, टेबल बना के कर लो। रचनहार, रचनहार नंद लाल नूरपुरी। नंद लाल नूरपुरी, नंद लाल नूरपुरी का जन्म कदों होया, नंद लाल नूरपुरी का जीवन काल, जीवन काल बेटे 1906 तो 1906। जीवन काल का मतलब की होंदा, जन्म ते एंड। 1906 तो 1906 जीवन काल, जन्म 1906 ते देहांत 1906 विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म किथे होया नंद लाल नूरपुरी दा? लायलपुर पाकिस्तान। जन्म स्थान, उन्होंने बहुता समा किथे बिताया? जलंधर विच। बहुता समा किथे बिताया? जलंधर विच। उन्हां दे लिखे हुए लोक गीत केड़ी आवाज बने? लोकां दी रूह दी आवाज। लोकां दी रूह दी आवाज की बने? नंद लाल नूरपुरी दे रचे हुए गीत। अपनी अपनी फेयर नोटबुक ते टेबल बना के कर लो शॉर्ट फॉर्म विच। उन्हां दीआं रचनावां उड़ जा भोलिया पंछिया, चुम चुम रखो नी ये कलगी जुझार दी, जो वड्डे साहिबजादे होए ने, कानू वे पिपला खड़खड़ लाईया, गीत बहुत मशहूर हुए। अंतला समा उन्हां दा गरीबी विच बीतिया, किस अवस्था विच बीतिया? गरीबी विच। और अंतिम समा कदों उन्हां दा देहांत होया? 1906 विच। हुण आपां गल करिए कविता दे बारे। पहले कविता नूं समझ लो, फिर वन मार्क क्वेश्चंस करना। नंद लाल नूरपुरी की कविता माता गुजरी जी, जो कि साहित्य माला भाग 9 विच दर्ज है। ये भी क्वेश्चन आ सकता कि तुहाडी रचना केड़ी पुस्तक च दर्ज है, क्योंकि दो भाग ने, एक 9 भाग एक 10 भाग। एक बुक का नाम है साहित्य माला, एक बुक का नाम है ओनली वनगी। साहित्य माला दे विच काव्य रचनावां ते वार्तक लेख है, वनगी विच कहानी ते इकांगी। ठीक है बेटे, क्लीयर है? ये भी क्वेश्चन जनरल करना। इस कविता दे विच माता गुजरी जी दे दो छोटे साहिबजादे
नाम बोलो। जोरावर सिंह, फतेह सिंह ते वड्डे साहिबजादे अजीत सिंह ते जुझार सिंह जो कि चमकौर की गढ़ी विच शहीद हो चुके ने। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह दे चार साहिबजादे माता गुजरी जी दे लाल मीर उन्हां दा रिश्ता की है, दादे पोतरे दा रिश्ता है, दादी पोतरी दा। ठीक है, माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की सुपत्नी होई ने। ठीक है, इस विच कवि ने साहिबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दी जदों शहादत हो गई सरहंद दे नवाब ने उन्हां विच नूं कित्थे चनवा दिता, नीहां विच चनवा दिता, उस समय दी दर्दनाक अवस्था बयान कीती है। उस समय दी दर्दनाक घटना बयान कीती है। किस समय दी दर्दनाक घटना बयान कीती, आंसर बोलो। ओ समा केड़ा समा, जदों छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद दियां नीहां विच चनवा दिता गया। कवि नंद लाल नूरपुरी कहिंदा है चनवा दिता गया। चिने जान दी नीहां विच उन्हां नूं शहीद करवा दिता गया। चिने आ नीह है उहदे विच चिन दिता, उपर इट्टां लगाईआं गईआं। ठीक है, चिने जान दी जां चिने नंद लाल नूरपुरी दसदा है कि अद्धी रात नूं माता गुजरी जी, अद्धी रात मां गुजरी बैठी घोड़ियां चंदा दियां गावे, चंदा तो कौन भाव है पोतरियां दियां। वन मार्क क्वेश्चन नोट करो, इस कविता दे विच चंदा तो की भाव है, पोतरियां तो है। घोड़ियां की हन लोक गीत, तुहानूं पता है मुंडे दे विआह ते की गाईआं जांदियां ने घोड़ियां, कुड़ी दे विआह ते की गाए जांदे सुहाग गाए जांदे हन, ये लोक गीतां दे नाम ने। सारे वन मार्क क्वेश्चन मैं तुहानूं कहा नोटबुक ते नोट करो क्योंकि आने ही वन मार्क क्वेश्चन ने कवितावां विच्चों। चन्न वर्गे छोटे पोतरियां दियां साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह दे विछोड़े ते मौत दे सल नूं घोड़ियां गा के प्रगट कीता। मौत दे सल नूं, जिहड़ा मौत दा दुख है, मौत दा जिहड़ा इक उहनां नूं जिसने विलुंदर के रख दिता, उस दा उह उहनां तों सहारिया नहीं जांदा, जिस करके वह क्योंकि उन्होंने पोतरे उन्होंने नजर नहीं आ रहे। उस दुख को बयान किया कि वह किधरे भी पोतरिया का चानन अखिया के तारिया का मैनू चानना नजर ना आवे, किधरे भी पोतिया का मैनू चानना उन्होंने रोशनी मैनू दिखाई नहीं दिती, नहीं कल जदों सौन लगी मेरे कोल हीरिया की जोड़ी, पिंडिया ते हथ फेर के मैं आख्या वंडूंगी मैं लोहड़ी। किसी लोहड़ी वंडन की गल की है साहिबजादिया की, पिंडियां ते हाथ फेर के मीन्स अद्धी रात नूं जदों जाग आई तो किहदे हाथ फेरदे पए ने, अपने छोटे साहिबजादियां दे पिंडियां ते हाथ फेरदे पए ने, पिंडे मीन्स शरीर ते। ढिड दा सेक बुरा नहीं मैथों झल्लिया ना जावे, अद्धी रात मां गुजरी घोड़ियां चन्ना दियां गावे। इस ढिड दा सेक बहुत माड़ा है, ढिड दा सेक मीन्स आंदरा दा सेक, जो प्यार दा सेक है, मां बाप दियां आंदरा हुंदे ने बच्चे, ते दादियां नूं तां मूल नालों व्याह ज्यादा चंगा लगता है, मूल नालों व्याह समझ अपने बच्चों नालों भी पोतरे ज्यादा पसंद चंगे लगते ने, उन्होंने तो दिल दे जिगर दे टोटे होंगे ने, जिगर दे टुकड़े, उन्होंने किवें भुलाया जा सकता, उन्होंने विछोड़ा किवें सहन किया जा सकता है। भाव कि उन्होंने विछोड़ा सहना माता गुजरी जी दे लई बहुत ही असह सी, कि सोचते ने कि जो मेरे पोतरे सौन लगे मैं उन्होंने कोमल शरीर से हथ फेर के कहा कि मैं इस बार पोतरिया की वंडागी लोहड़ी वंडागी, पर अज मेरे को हमेशा लिए चले गए। इस गल का माता गुजरी जी बहुत दुख है, तो वह घोड़ियां गा के इस दुख को बयान करते हैं पूरी कविता। घोड़ियां गा के किस विछोड़े बयान किया है, पोतरिया के विछोड़े जिन्होंने कितने चिनवा दिता गया सरहंद दियां नीहां विच। सुपना सच हो गया मेरे नाल झगड़ पई होनी, इट उत्ते इट रख के तेरे हीरियां दी चमक लकौनी। माता गुजरी जी कहिंदे मेरा तां बुरा सुपना, मैनूं तां सुपना आया सी, इह तां मैनूं सच होया प्रतीत सच हो गया जापदा है, जिस चीज़ दा डर सी उही ओह होया। सुपने विच मेरे लाल होनी नाल लड़ रहे मैनूं दिखाई दित्ते, होनी मीन्स मौत नाल।
ठीक है, जो आप कहने किसी घर होनी वापर गई, कोई माड़ी घटना वापर गई, कुछ वापर गया, वापरना मीनस कोई मौत आ गई किसी नूं, वह मैं कह लगी मैं इट उत्ते इट रख के तेरे पोतरिया की हीरिया वर्गे पोतरिया मैं जेडे हीरिया वाग चमक रहे ने इन्हों मैं लुका देना, इन्हों छुपा देना, इन्हों की चमक न मैं देख नहीं देना किसी नूं। किदे छुपा देने की गल की? इट्टां विच इट ते इट रख के किसन छुपा की गल की? हीरिया की चमक न। यह वनमा क्वेश्चन है, ठीक है। माता गुजरी जी की दसते ने कि उन्होंने दोवे छोटे साहबजादियों उन्होंने अपनी छाती ना ला के उस वक्त होनी का कलावा भर ली अगे वधे ने। माता गुजरी जी अद्धी अद्धी रात उठ के उन्होंने पोतरिया के विछोड़े दियां घोड़ियां गा रहे ने, मौत दे सल नूं, मौत दे दुख नूं, मौत दे दर्द नूं बयान कर रहे हन। नैक्सट, एक दिन पुछदे सी दादी पिता जी गल कदों जाना। माता गुजरी नूं वो वक्त याद आता है, वो कहिंदे एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी दे दोवें लाल, मेरे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी दे दोवें लाल मेरे तो पुछन लगे, दादी जी असीं अपने पिता जी कोल कदों जाना। पिता जी मीन्स भाव दादा जी, पिता जी तो भाव दादा जी कोल, जो कि दादा जी नूं औरंगजेब दे हुक्म नाल शहीद कित्थे कीता गया सी? दिल्ली दे चांदनी चौंक में सीस का बलिदान दे के औरंगजेब ने किन्ने प्रेरिया सी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र में भेजा सी उन्होंने किदी खातर? कश्मीरी पंडतों की पुकार सुन के, ठीक है। इस बार जो पिता जी सानू मिले तो असी हस हस के ते रज रज के उन्होंने गले लग जाना है। माता गुजरी जी कहते हैं कि उन्होंने छोटे साहबजाद का एक एक बोल, किड़ा बोल? यही बोल कि असी अपने दादा जी को कदों जाना है, तो इस बार जो साढ़े दादा जी मिले तो असी रज के उन्होंने मिलना। यह बोल उन्होंने कालजे को बुरी तरह दुखी कर रहे ने। इस तरह माता गुजरी जी अद्धी रात उठ के अपने पोतरिया के विछोड़े के दर्द न घोड़ियां गा के प्रगटा रहे ने, दर्शा रहे हैं। लास्ट पैरा, कल मेरे कोल वस्ते अज नजर कितने ना आंदे। माता गुजरी जी केड़ा अंदरला दुख बयान करते ने, कल तो मेरे कोल ही सन, अजे कल की तो गल है कि जो मेरे कोल छोटे साहबजादे सन और मेरे नाल हसते खेडते सन, तो मैं उन्होंने कुरबानी दियां जड़ियां कथावां सुना सुना के उन्होंने प्रेर रही सी, पर अज किसे पासे भी नजर नहीं आ रहे। निक्के निक्के मासूम ओदरे हुए, ओदरे का मीनिंग लिखो, ओदरे तो की भाव है? वन मा क्वेश्चन कोई दस सकता? ओदरे घबराए हुए, वेरी गुड। ओदरे का मैं जो कविता कराई सी तो एक एक वर्ड का मीनिंग करवाया सी बेटे। ओदरे हुए घबराए हुए किनू होणगे दर्द सुनांदे, कहिंदे अपना हाल किनू सुनांदे होणगे? वह मासूम जिंदा जिन्हां नूं सरहंदे नवाब दे हुक्म नाल नीहां विच चिनवा दिता गया, वह किनू अपना दर्द सुनाणगे? उन्हां नूं लब्भो तां सही, मेरियां अखां नूं मेरे पोतरियां तों बगैर नींद नहीं आउंदी। कहिंदी कोई लभ के लियावे मेरे पोतरियां नूं, मैनूं तां उन्हां तों बिना नींद नहीं आनी। मेरे लई तां उन्हां दा विछोड़ा चलना बहुत ही असह है, सहन योग नहीं है। इस तरह माता गुजरी जी अद्धी अद्धी रात उठ के अपने पोतरियां दे विछोड़े ते मौत दे सल नूं घोड़ियां गा के प्रगट करते हैं, ठीक है। हुण आपां क्वेश्चन आंसर दोनों कवितावां दे कर लईए बेटे। नंद लाल नूरपुरी की कि कविता तुसी पढ़ी है? नोट करो, माता गुजरी जी कौन सन ते गुरु गोबिंद सिंह जी नाल उन्हां दा की रिश्ता सी? माता जी सन। गुरु तेग बहादुर जी नाल उन्हां दा की रिश्ता सी? उन्हां दी सुपत्नी सन। माता गुजरी जी दी जी कविता विच हीरियां दी जोड़ी किसनूं कहा गया है? छोटे साहिबजादियां नूं। साहिबजादियां दे नाम बोलो जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। अगला, छोटे साहिबजादियां दे दादा जी कौन सन? छोटे साहिबजादे किवें शहीद किते गए? सेम लिखना है, नीहां विच चिनवा के। नोट करो बेटे, क्वेश्चन यही लर्न कर लेना ना बच्चे, टेबल बना के कर लो, एक पासे शॉर्ट फॉर्म लिखो क्वेश्चन दी। शहीद नीहां विच चिनवा के,
दादा जी गुरु तेग बहादुर इट उत्ते इट रखे हीरियां दी चमक लुकाउण लई किसने कहा? किसने कहा? होनी ने कहा कि मैं इट ते इट रखे किनू लुका देना, हीरियां दी चमक नू लुका देना है। माता गुजरी जी कविता विच क्यों जे भाव प्रगट किते हन, क्यों जे भाव प्रगट किते हन, दुख परे करुणामयी व्यंगमयी नहीं, करुणामयी लिखोगे जा दुख परे दर्द परे, ओनू मई पिछेत्र चाहता है करुणामयी, ठीक है, दुखमयी सुखमयी नाल नाल जिहड़े गेतर पिछेत्र आंदे ने ना वो तुसी नाइन्थ क्लास च कर लो, क्योंकि टेंथ क्लास जाके ये जिहड़े गेतर पिछेत्र ने बहुत ज्यादा वास्ट है इन्हां दा घेरा, हुणे तो ही तुहानू आंदे होणगे तां तुहानू इहदा बेनीफिट होएगा। ठीक है, कविता विच माता गुजरी जी दे घोड़ियां गाउण दा समां की दर्शाया गया, किस समय घोड़ियां गाईयां गईयां माता गुजरी जी वल्लों? अद्धी राती। नोट करो किहड़ा समां दर्शाया गया है घोड़ियां गाउण दा, सवेर दा समां, शाम दा समां कि अद्धी राती? अद्धी राती। माता गुजरी जी ने अगले साल पोतरियां दा किहड़ा त्योहार मनाना सी? यस, नोट करो ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ? ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਣੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ। ਉਲਟੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਘੋੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਯੈਸ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਦਾ ਸੇਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਸੇਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ? ਠੀਕ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਉਦਾਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ?
ਪਰਨਾ ਮੇ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਉਧਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ ਘਬਰਾਏ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਸਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਕੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਪਤਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਅਕਲ ਗਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਤੀ ਵਟਾ ਲਈ ਕਪਲਾ ਗਊ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਵੀ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਪੱਛਮ ਦੀ ਝੂਠ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਆ ਗਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਵੀ ਹੈ ਖੋਤੀ ਵਟਾ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠ ਪੱਛਮ ਦੀ ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਝੂਠ ਪਈ ਹੈ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਸਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਨ ਵਰਡ ਆਇਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਢੋਲੇ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਢੋਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਢੋਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਉਵੇਂ ਢੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਟੂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੇ ਲਾਟੂ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਆ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ
किस सभ्यता तो पश्चिमी सभ्यता। पुरानी तहजीब किससे समान है? कपला गोल के समान। पुरानी तहजीब किससे समान है बेटे? कपला गोल। पश्चिमी तहजीब सरमाएदार किसी खूब खल लौंदा है। सरमाएदार किसी खूब खल लौंदा है, किरतियां दी, किरतियां दी, मजदूरां दी। ठीक है, खल लौन तो की भाव है? चमड़ी उधेड़ना, खूब खून चूसना, तंग करना, परेशान करना। खल उधेड़न तो भाव है चमड़ी लौना, भाव तंग करना। सरमाएदार अपनिया औरतों लई पाउडर कित्थों तैयार करता है? यस, मजदूरां दीआं हड्डियां पी के, पीस के पाउडर तैयार किया जांदा अपने आप नूं सवारन लई, अपने आप नूं शिंगारन लई। असी अपनी झोली विच दुध दी थां ते की पा लिया? घोड़ियां दी लिद पा लई। कपला गऊ दे बदले की बटा लिया? गोती बटा लई। ऋषियां मुनियां दे चौंके विच असी की लाया है? पछम दी जूठ लाया है। अमीरां दे घरां दे बिजली दे लाटू कवि नूं कियों जे लगदे ने? गरीबां दे कड्डे होए नैन। जेकर भारतीय सभ्यता बरकत वाला दुध है तां पछमी सभ्यता की है? यस, फुट दा पानी। इह कविता दी लाइन ही है। जे भारतीय सभ्यता ब्लैंक आए, दुध दा पानी है, दोनों ब्लैंक्स विच पर्टिकुलर वर्ड एग्जैक्ट वर्ड भरना होए दुध दा पानी तां ता की है बेटे? क्वेश्चन बोलो, पछमी सभ्यता की है? फुट दा पानी। नेक्स्ट, भारतीय सभ्यता चंचल है या भोली भाली? चंचल तो मीन शरारती हुंदा। जेड़ी पुरानी सभ्यता की है? भोली भाली। ते भारतीय सभ्यता चंचल है। चंचल तो भाव शरारती, चुस्त चलाक। आजादी के समय भारत क्यों जे गीत गाउंदा सी? खुशी दे गीत, शगना दे गीत। केड़ा वेला दोबारा हथ नहीं आंदा? जेड़ा वेला बीत जाए ओ हथ नहीं आंदा। पछमी तहजीब जां सभ्यता ने साडे गल विच की पा दिता? गुलामी दा पटा। केड़ी तहजीब ने सानू सुपने पा दिता? पछमी सभ्यता ने। डन बेटे, हुण आपां गल कर, वेरी गुड। हुण आपां गल करिए मुहावरे। यस बेटे, मुहावरे है ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी भाक। तुसी सिर्फ मीनिंग दसने हन और वाक शॉर्ट फॉर्म विच वाक बनाने ने, सिंपल वाक बनाने ने। आपां ईड़ी भाक तो स्टार्ट करदे हां। ईड़ी भाक दे थोड़े जे मुहावरे ने। इक कन्नो सुन के दूजे कन्नो कढ़ देना, गल दा असर ना होना। इहनू कहिंदे कन्न केसल मारना। कन्ना ते जूना सरकने, टेंथ विच जाके इही मुहावरे ने कक्का भाक विच। ठीक है, नेक्स्ट, इलम दा कीड़ा। इलम दा कीड़ा किताबी कीड़ा, हर वेले पढ़न वाला। इलम दा कीड़ा किसे दा नाम लैके होता इलम दा कीड़ा है? होर किसे गतिविधि विच भाग ही नहीं लैंदा, खेडां विच भाग ही नहीं लैंदा। किताबी कीड़ा, इलम दा कीड़ा किताबी कीड़ा, जेड़ा हर समय किताबां ही पढ़दा रहे। इक ना सुननी अपनी मन मर्जी करनी, उन्हों जिन्ना मर्जी समझाओ वो किसे दी इक नहीं सुनदा। इल दा ना कोको ना आना, पूरा अनपढ़। जो इलाके वाले ने देखा, पिंड वाले देखा, इन्हू सरपंच चुनिया जाना, वो कहंदे इन्हू तो इल दा ना कोको नहीं आंदा, ये पिंड दे की काम सवारेगा। कोको ना आना मीन्स इल नू कोको भी कहा जाता, कहंदा ये ना आना मीन्स अनपढ़। अनपढ़ इको तकड़ी दे वट्टे होना, इको जे सुभा वाले होना, इको जे सुभा वाले। दोनों भरा ही निकम्मे ने, इको तकड़ी दे वट्टे ने, किसे दे कोई कई गल दा कोई असर ही नहीं है। ठीक है, इट नाल इट खड़कौनी, तबाही मचौनी। हरी सिंह नलवा ने पठाना दी इट नाल इट वजा दित्ती। बंदा बहादुर ने सरहंद दी इट नाल इट वजा दित्ती। इट खड़िका लाउणा, झगड़ा करना,
ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਰਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਅੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਐੜਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਟ ਖੜੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੇਮ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੈਰ, ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੈਰ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੇਮ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਈਨ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਫਾਹੇ ਦੇਣਾ, ਲੋ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਡੱਗੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਈੜੀ ਭਾਗ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੜਾ ਭਾਗ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਵਿਸਮਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।